नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा। 16th क्वेश्चन नंबर 16 बताओ जरा क्या है। LHS बताओ, cos 9x, LHS क्या है? cos 9x माइनस cos 5x साइन 17x साइन 3x। क्या करेंगे बच्चों, क्या प्रूव करना है इसको? RHS बताओ जरा, RHS क्या है? साइन 2x अपॉन cos 10x, ये RHS है। RHS इज माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। कैसे करेंगे? न्यूमरेटर में आप अप्लाई करेंगे cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos x माइनस cos y, बताओ क्या होता है? माइनस 2 साइन x प्लस y बाई 2 cos, cos नहीं साइन x माइनस y बाई, ठीक है। और नीचे क्या है? साइन x माइनस साइन y, साइन x माइनस साइन y, बताओ क्या होता है? नहीं माइनस नहीं होता, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2, ठीक है। ये अप्लाई करो तो बच्चों न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा बताओ जरा? माइनस 2 साइन 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस इंटू साइन इंटू साइन 9x माइनस 5x बाई 2 अपॉन अपॉन क्या आएगा? 2 कॉस 17x प्लस 3x बाई 2, उस आइडेंटिटी को देखो, cos x प्लस y बाई 2 इंटू में आएगा साइन ऑफ 17x माइनस 3x बाई 2, करेक्ट। 2 से 2 को कट कर दो, साइन ऑफ 14 बाई 2 7x माइनस, एंड आगे क्या होगा? साइन ऑफ 2x, पक्का कैलकुलेट कर लिए सभी ने? ओके नीचे बताओ, cos ऑफ, वेरी गुड, साइन ऑफ 7x, तो साइन 7 से साइन 7 काट दें, क्या बचेगा? माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x, ठीक है, इक्वल्स टू RHS, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ठीक है, बीच के क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, इस यही फॉर्मूले लगेंगे, जैसे इसमें जो चार आइडेंटिटी मैंने बताई है, पता है ना सबको, उन्हीं चार में से कोई ना कोई आइडेंटिटी लगेगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, आपको जो आंसर चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये बीच के क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, नहीं आएंगे तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ जरा मुझे, क्या है साइन एक्स? LHS क्या है बच्चों? साइन एक्स, साइन एक्स माइनस साइन 3x होगा, साइन 3x, हाँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और RHS क्या गिवन है आपको? RHS गिवन है 2 साइन एक्स, RHS इज 2 साइन एक्स, ये आपको प्रूव करना है 2 साइन एक्स। देखो बच्चे देखो, एक बात बताओ, cos 2x की चार आइडेंटिटी होती है, जिसमें से एक आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है, लेकिन यहां डिनोमिनेटर में देखो उल्टा है जस्ट, सो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर में से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब नीचे से माइनस कॉमन लिया है तो ऊपर से भी ले लेते हैं, उसका एक फायदा ये होगा कि बड़े एंगल वाली टर्म पहले आ जाएगी, सो माइनस ऑफ साइन 3x माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये बताओ साइन x माइनस साइन y क्या होता है? साइन x माइनस साइन y 2 cos x प्लस y बाई 2 साइन दिस अपॉन
कौन क्या लिखेंगे बच्चों, cos 2x, ठीक है, समझ रहे हो? देखो जरा, बताओ जरा, न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास, 2 cos 2x, क्या बन जाएगा ये, cos 2x into sin of, ये बताओ 3x minus x by 2, x आ जाएगा, और नीचे क्या है, cos 2x, cut 2 sin x, यही हमें प्रूव करना था, RHS के इक्वल आ गया, ठीक है, बीच के क्वेश्चंस कर लोगे ना, जो दो तीन क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए हैं, ठीक है, नहीं आए तो मुझे बताना, एग्जाम्पल नंबर 14 पे आओ बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल कौन सा है ये, 14, पढ़ो जरा अच्छे से एग्जाम्पल को, कौन क्या है ये, इसमें क्या कहता है, एक बार बोलना, 10 3x, 10 2x, 10x, 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x, ये प्रूव करना है, देख रहे हो, 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x इज इक्वल टू 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x, ठीक है, ये प्रूव करना है, शो करना है, इनफैक्ट देखो कैसे शो करेंगे इसको, देखो बच्चों यहां पर आप तीन एंगल देख रहे हो ना, 3x 2x और x, तो इनका एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 3x को लिख सकते हैं 2x plus x, 3x को क्या लिख सकते हैं 2x plus x, लिख सकते हैं ना, और अगर इस पे दोनों साइड टेंजेंट अप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट 3x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 2x plus x, दोनों साइड इस पे क्या अप्लाई कर दिया, जल्दी लिखो, 3x को मैंने लिखा 2x plus x, बताओ इसमें क्या समझ नहीं आया, और उसके बाद दोनों साइड पे टेंजेंट लगा दिया, ठीक है, ठीक है बच्चों, अब ये बताओ मुझे, tan x plus y की आइडेंटिटी बताओ क्या होती है, tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y into 10, tan x plus y की आइडेंटिटी क्या होती है, tan x plus tan y upon 1 minus tan x into tan y, ये tan x plus y की आइडेंटिटी है, राइट हैंड साइड को इस पे ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, 2x plus x में 2x हो गया x, और आगे प्लस में जो x है वो हो गया y, तो राइट हैंड साइड पे आप आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है, बताओ क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, tan 2x प्लस में tan x, और ये क्वेश्चन जैसे मैं लिख रहा हूं, लेफ्ट राइट और लेफ्ट और राइट साइड ऐसे ही लिखनी है, कुछ उल्टा पुल्टा मत कर देना, अपॉन में 1 माइनस tan 2x प्लस tan x इंटू tan x इंटू tan x, ठीक है, कर दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इसको जरा, मैं 10 2x इंटू 10x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा 10 3x के साथ, इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 इंटू दिस क्या आएगा, एज इट इज ही रहेगा, 10 2x प्लस 10x, ठीक है, लेफ्ट का ब्रैकेट ओपन कर दो, बताओ क्या आएगा, 10 3x माइनस 10 3x इंटू 10, ये इंटू है, इंटू 10 2x इंटू 10x इज इक्वल टू 10 2x प्लस में 10 ऑफ x, क्या बेटा, लाइक एंगल जब तक नहीं है तब तक स्क्वायर नहीं मिलता, अच्छा अब अपना जो शो करना था उसको देखो,
उसमें tan 3x 2x और ये एक साइड पे है और बाकी सभी टर्म्स एक साइड पे हैं, तो इसको एक साइड पे रखो, राइट में ले जाओ इसको और बाकी दोनों टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ, तो क्या बन जाएगा tan 3x माइनस उधर से tan 2x आके इधर माइनस हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा tan x, और RHS में आपके पास क्या बचेगा, ये जो टर्म है ये पूरी RHS में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan ऑफ x। ठीक है, यही शो करना था हमें कि दिस इज इक्वल टू, ठीक है, चलें आगे, समझ आया, घर जाके दोबारा करते हो इसको, बिना उसके ट्रिग्नोमेट्री होगी तो नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी चैप्टर नहीं होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ, क्वेश्चन को रीड करो, क्या प्रूव करना है बोलो जरा एक बार, मुझे भी लिखवा दो, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x cot 3x cot x इक्वल्स, देखो बच्चों ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, बिल्कुल, देखो कैसे करोगे, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, एंगल यहां पर वही है, x है 2x है और 3x है, ठीक है, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना 3x, x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, या उल्टा लिख दो 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x, यही कॉम्बिनेशन लेके चलना है, दोनों साइड पे कोट अप्लाई कर दो, दोनों साइड टेकिंग कोट ऑन बोथ साइड, कोट ऑफ x प्लस 2x इज इक्वल टू कोट ऑफ 3x। अच्छा मैंने शायद आपको कोट की आइडेंटिटी तो नहीं बताई थी ना, तो बताओ कोट की आइडेंटिटी क्या होती है, कोट x प्लस y, बताओ जरा, कोट x कोट y, कोट y कोट x लिखो बल्कि इसको, कोट y कोट x माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ये होती है कॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉट वाई कॉट एक्स माइनस वन अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, हो सकता है हमने कॉट ए प्लस बी की फॉर्म में लिखी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलएचएस को ओपन कर दो सेम आइडेंटिटी से, बताओ जरा कॉट ऑफ एक्स कॉट ऑफ टू एक्स कॉट ऑफ टू एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन कॉट ऑफ टू एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉट ऑफ थ्री एक्स, समझ आया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा बच्चों, ये तो वन इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, कॉट टू एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा कॉट 3x इंटू कॉट 2x प्लस कॉट x, कॉट 2x प्लस कॉट ऑफ x, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉट 2x इंटू कॉट ऑफ x, ठीक है मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ, cot 3x cot 2x cot 3x cot 2x plus cot 3x cot of x cot 3x cot of x, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, एक 1 था वो कहां पे है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां पर माइनस में 1 भी आएगा, ध्यान दो बच्चों यहां पर, यहां का माइनस 1 छूट गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यहां पर भी क्या आएगा माइनस वन, यहां पर भी माइनस में क्या है 1, अब उन सभी टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ तो ये क्या
बना देखो जरा, cot x into cot 2x, ठीक है। इस टर्म को भी लेफ्ट में ले आओ, ये दोनों को ले आओ, माइनस cot 3x into cot 2x, फिर एक जो टर्म बची उसको भी ले आओ, माइनस cot 3x cot ऑफ x, और जो ये माइनस वन है ना इसको राइट में लेके जाओ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और यही हमें प्रूव करना था। हेंस क्या, नहीं बेटा ये तो हमेशा ट्रू होता है, कोई आइडेंटिटी आइडेंटिटी 3x तो होता ही 2x plus x है, तो तीन एंगल थे यहाँ पर x 2x, तो हमने 3x को स्प्लिट कर दिया, 3x is equal to 2x plus x, अलजेब्रा में होता नहीं है क्या, x plus 2x को क्या लिखोगे, 3x ही तो लिखोगे, तो यहाँ तीन एंगल आए थे x 2x और 3x, हम 3x को लेके उसको ऐसे स्प्लिट कर दिया। अगर आप ऐसे भी कर देते 2x is equal to 3x minus x, अब भी ये क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप ऐसे कर देते x is equal to 3x minus 2x, अब भी ये क्वेश्चन हो जाता है। दोनों साइड टेंजेंट अप्लाई कर देते उसके बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में LHS, LHS है क्वेश्चन नंबर बताना 23। LHS में आपको क्या दिया हुआ है, टेंजेंट 4x दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड में आप रीड करो क्वेश्चन में बुक में क्या है, 4 tan x 1 माइनस अपॉन 6 प्लस tan raise to power 4x, RHS है, ठीक है। हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना। देखो tan tan 4x लेफ्ट साइड में कंपाउंड एंगल है और राइट में कोई भी कंपाउंड एंगल, ठीक है। तो क्या करेंगे, दिस इज इक्वल tan 4x, tan 4x को क्या लिखोगे आप, सबसे पहले इसको 2 into 2x लिख दो, tan 4x को क्या लिखोगे 2 into this, तब tan 2 theta क्या होता है, tan 2 theta क्या होता है, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, tan 2 theta क्या होता है, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, ये identity apply कर दो इसके, क्या बन जाएगा इसके according, देखो 2 और ये 2x क्या है, theta है, ये अकेला पूरा 2x क्या है, theta है, तो tan 2 theta, theta की जगह आपको क्या है, आपका 2x थीटा की जगह पे है, तो ये क्या आना चाहिए, 2 tan थीटा, थीटा मतलब अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 2x, क्लियर है, ठीक है बच्चों। देखो जरा 2 अच्छा इसमें देखो tan 2x, इस tan 2x पे फिर से सेम आइडेंटिटी लगा दो, वो आइडेंटिटी, ठीक है, 2 tan x upon 1 minus tan square x, tan 2 theta की identity, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, denominator में क्या करेंगे बच्चों, देखो जरा 1 minus, एक बात बताओ ये जो square यहां पर होता है तो whole square होता है ना, ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है tan स्क्वायर 2x, तो ये जो स्क्वायर है ये तो होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर का मतलब ऐसे, होल स्क्वायर का मतलब यही होता है, और नीचे लिखा tan 2x, तो tan 2x पे फिर से सेम आइडेंटिटी लगा, tan 2x पे क्या आइडेंटिटी लगेगी, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन, समझ आया है आपको, देखो जरा
ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में क्या बन गया भाई, देखो देखो 1 माइनस, ये जो होल स्क्वायर है इसको आप दोनों टर्म्स के ऊपर अलग से भी तो लिख सकते हो, न्यूमरेटर पे अलग और डिनोमिनेटर पे अलग, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 2 tan x का होल स्क्वायर यानी कि 4 tan स्क्वायर एक्स, 2 tan x का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 10x का स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स, और इसका भी तो होल स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर क्या हो गया अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। क्या ये समझ आया किस किस को, नहीं आया पूछ लो डाउट आगे। अब क्या करें, ये ग्रुप का भी नाम है, अब क्या करें, फोर टेन एक्स यहां पर ये 1 माइनस, अच्छा यहां पर एक बच्चों 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 इधर ध्यान दो, यहां पर एक स्क्वायर है ठीक है, ये क्या बन गया बच्चों 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है एलसीएम लो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, माइनस में 4 10 स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों a अपॉन b और c अपॉन b हो तो b भी कट हो जाते हैं, ठीक है ध्यान दो, a अपॉन b और c अपॉन b हो तो b भी कट हो जाते हैं, और अगर यहां b स्क्वायर हो तो एक भी कट हो जाएगा, एक बचेगा, है ना, ऐसे ही होता है। क्या लिखेंगे अब देखो जरा, हो गया दिस इज, एक तो स्क्वायर यहां से कट कर देंगे ना, एक पावर यहां से कट कर देंगे, कर सकते हैं ना, ये तो बचेगा क्या 4 tan x इंटू ये बची हुई एक पावर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है इसको ओपन कर दो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेंजेंट की पावर 4x हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 tan स्क्वायर एक्स होगा, टेन स्क्वायर एक्स, और माइनस में क्या है 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो ये क्या बन गया देखो जरा, 4 tan x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में, देखो बच्चों जरा, हाँ ये 2 tan स्क्वायर और 4 tan स्क्वायर कंबाइन करके क्या बन जाएंगे 6 tan स्क्वायर, तो 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या है टेंजेंट टू द पावर 4x, और यही हमें हो जाता क्या, नहीं उसमें इस टर्म से ना तुम्हें डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइडिंग बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर इधर से 1 6x स्क्वायर को बहुत स्प्लिट करना पड़ता है, लाइक बड़ा मुश्किल है, समझ आया। चलें फिर अगले क्वेश्चन पे, चलो अगले क्वेश्चन पे, हाँ
एलएचएस बताओ क्या है 24th क्वेश्चन में, कॉस फॉर एक्स, कॉस फॉर एक्स। आरएचएस को पढ़ो क्या दिया हुआ है, देखो बच्चों आरएचएस क्या है, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आरएचएस वो है, आरएचएस वो है, ठीक है। देखो जरा कॉस फोर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, कॉस ऑफ 2 इंटू टू एक्स, 2 इंटू टू एक्स तो कॉस 2 थी। अच्छा आपके प्रूविंग में देखो 1 माइनस समथिंग आया हुआ है ना, कॉस की कॉस 2 थीटा की एक आइडेंटिटी होती है जिसमें 1 माइनस समथिंग होता है, और वो आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 लाने के लिए हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, और वैसे भी लेफ्ट हैंड साइड में तो 4x है और राइट हैंड साइड के सारे एंगल x हैं, तो ऐसी आइडेंटिटी लगानी है जो एंगल को स्मॉलर बनाए, ठीक है। तो ये cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी 2 थीटा को सिंपल थीटा में, कंपाउंड एंगल को सिंपल एंगल में कन्वर्ट कर देती है, दिस इज cos ऑफ 2। अच्छा रुक जाओ, हाँ cos 2 थीटा की आइडेंटिटी अगर आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है इसमें 2x, थीटा की जगह क्या है 2x, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2। अब ये हमारे पास है साइन 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर, ठीक है समझ आया। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2, इसको क्या लिखेंगे हम साइन 2x, क्या लिखेंगे इसको 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x, फोर साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स। क्या ये बनेगा अगर स्क्वेयर को सेपरेट कर दिया जाए, तो इस स्क्वेयर को इन तीनों टर्म्स से सेपरेट कर दिया जाए तो 2 का स्क्वेयर हो गया 4, साइन स्क्वेयर हो गया कॉस स्क्वेयर हो गया x। अगर ये ब्रैकेट खोल दें तो ये क्या बन गया, कॉस स्क्वेयर एक्स, यही हमें प्रूव करना था। एक क्वेश्चन और बचा है बच्चों हमारे पास, क्या है cos 6x, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 cos 6x, LHS क्या गिवन है हमें, LHS हमें गिवन है cos 6x, और RHS क्या है बच्चों 32 माइनस 1। देखो इसमें भी 6x से सारे एंगल सिंपल एंगल में कन्वर्ट हो गए, 6x से सारे एंगल सिंपल एंगल में कन्वर्ट हो गए, तो हमें ऐसी आइडेंटिटी लगानी है जो एंगल को स्मॉलर करती है। देखो जरा एंगल छोटा होना चाहिए, 6x से x में कन्वर्ट हो गया। देखो जरा सबसे पहले तो बच्चों इसको वही करोगे cos ऑफ 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x cos ऑफ 2 इंटू 3x, ठीक है क्या हो जाएगा cos 2 थीटा क्या बनेगा। अच्छा एक बात और, इसमें लास्ट में माइनस 1 चाहिए, क्या चाहिए लास्ट में, तो एक आइडेंटिटी cos 2 थीटा की जिसमें लास्ट में माइनस 1 आता है, 2 cos square थीटा माइनस 1 होती है, ठीक है। तो लगाओ इस पे वो आइडेंटिटी 2 cos square थीटा, थीटा मतलब 3x माइनस 1, 2 cos square थीटा, थीटा का मतलब 3x, ठीक है बच्चों 2 cos 3x
कॉस 3x का होल स्क्वायर माइनस 1, क्या बन गया ये कॉस 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। एक बात बताओ, कॉस 3x की आइडेंटिटी पता है तो क्या होती है बताओ। देखो बच्चों, साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टेन 3 थीटा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा। होता है क्या बन गया इसके अकॉर्डिंग, ये कॉस 3x और कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 1 और कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 1। कॉस 3x की आइडेंटिटी है और इसका होल स्क्वायर भी है ना, और कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। दिस इज 2 इंटू, ये होल स्क्वायर ओपन करो, 16 कॉस 6x ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 4 कॉस क्यूब एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर पहले तो ये क्या हो जाएगा 16 cos की पावर 6x, फिर b का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आएगा 2ab माइनस 2ab, तो 2 into 4 into 3 और cos क्यूब x into cos x, यही आएगा ना 2ab में, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2ab, 2ab का मतलब 24, तो क्या बन गया ये 24 cos की cos टू द पावर 4x माइनस में क्या है 1, दिस इज इक्वल टू, बताओ ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 32 cos टू द पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 माइनस 1 आर एच एस, दिस इज इक्वल टू सर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई है कंप्लीट, ठीक है। एक बार बताओ कॉस टू एक्स को मैंने आपको क्या बताया, कॉस टू एक्स कितना होता है 2 cos square x minus 1, cos 2x is 2 cos square x minus 2 cos square x minus 1, ये आइडेंटिटी होती है बच्चों cos 2 is this। अच्छा इस 1 को इधर लेके आओ, 1 plus cos 2x is equal to क्या बन गया 2 cos square x, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू, इसको भी एज ए आइडेंटिटी याद रखना है, ठीक है। और कॉस स्क्वायर x की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, इसको भी एज ए आइडेंटिटी की फॉर्म में इसको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। ध्यान दो इधर, ध्यान दो फटाफट, cos 2x की एक और आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x को लेफ्ट में ले आओ, 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, cos 2x को राइट में लेके चले गए, ये जो cos 2x इसको राइट में ले गए और 2 sin स्क्वायर x को लेफ्ट में ले आए, तो लेफ्ट में आके वो पॉजिटिव हो गया, ये इसको भी एज ए आइडेंटिटी याद रखना है। और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसको भी एज ए आइडेंटिटी याद रखना है, ठीक है। बच्चों ध्यान से सुनो, अगर ये आइडेंटिटी तुम कॉस 4x पे अप्लाई करते हो, कॉस स्क्वायर
फोर एक्स या आइडेंटिटी तुम कॉस स्केयर एक्स बाई टू पे अप्लाई करते हो तो क्या लिखोगे बताओ? इस एंगल से डबल एंगल होता है यहां पर, तो इसको आप लिखोगे वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू। अगर यही आइडेंटिटी आप कॉस स्केयर थ्री एक्स पे अप्लाई करते तो क्या लिखते? ध्यान रखना इससे डबल एंगल होता है यहां पर, वन प्लस कॉस सिक्स एक्स अपॉन टू, ठीक है? या ये वाली आइडेंटिटी आप साइन थ्री बाय टू एक्स पे अप्लाई करते, साइन ये वाली आइडेंटिटी, तो साइन स्क्वायर थ्री बाय टू एक्स किसके इक्वल होगा? कॉस, इससे डबल एंगल है यहां पर, तो इससे डबल कितना आएगा? थ्री एक्स बाय टू। ठीक है, तो ये कंप्लीट करोगे, रिपीट करोगे, मिसलेनियस की मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूं, मिलती है तो, पुरानी रिकॉर्डिंग अभी की तो नहीं होगी, तो उसको आप देख के आओगे, ठीक है? फिर एग्जांपल्स और बाकी बचा हुआ हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करें, ठीक है?